नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आपके लिए बड़ी उठापटक चल रही है और मार्केट में एक बार फिर से आपके लिए बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में अभी नुकसान बढ़ने लगा है। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आज ना इंडेक्स लेवल पे तो गिरावट दिख रही है लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे गिरावट नहीं है। आज पोर्टफोलियो हरे निशान में है। कमेंट्स भी है मेरे पास, हाँ जी भाई आज पोर्टफोलियो हरी है लेकिन अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है, अभी मार्केट में गिरावट बढ़ गई है क्योंकि मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट अभी 1450 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं जो केवल 1150-1150 थे और अभी पॉजिटिव शेयर्स की संख्या केवल 900 रह गई है और ये थोड़े समय पहले ऑलमोस्ट 1100 थे। तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो रही है, मिड कैप टूट गया है, काफी टूट गया है, पहले फ्लैट था अभी आधे परसेंट से ज्यादा नीचे हो गया है। खैर, इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, बात करूंगा आप सभी के साथ। आज इस उठापटक गिरावट वाले बाजार में एक सेक्टर, एक थीम है जो बड़ी तेजी से रन कर रही है। देखो, आप ना ये सेक्टर थीम मत समझो कौन सी चल रही है, आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, कच्चे तेल को समझ लो, क्रूड ऑयल को समझ लो। कच्चा तेल बढ़ता कब है मैं आपको बताता हूं। कच्चा तेल तब बढ़ता है जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है जहां पे आदान प्रदान करने में दिक्कत आती है कच्चे तेल की। समझ गए? फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंट्री में लड़ाई चल जाए आपस में, ठीक है, कोई कंट्रियां लड़ने लगे जो तो कच्चे तेल से रिलेटेड है, तो अब वो कंट्रियां क्या करती हैं, तेल का एक्सपोर्ट कम कर देती हैं या फिर कभी कभार प्रोडक्शन ही घटा देती हैं, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाती है, तब कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। या फिर किसी कंट्री में कुछ तनाव आ जाए, उनके इंटरनल इश्यूज आ जाएं जो कच्चे तेल की उत्पादक कंट्रियां हैं, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री है वो कहते यार हम उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उस कंट्री से हमारी कुछ बिगड़ गई है, हम नहीं कर रहे और हम प्रोडक्शन घटा रहे हैं क्योंकि हम उसे नहीं कर रहे तो हमारा बिगड़ेगा, तो प्रोडक्शन घटा रहे हैं, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इस प्रकार जब भी चीज़ें होती हैं तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। जी हाँ, अब सब कुछ जब नॉर्मल दिखे तो कच्चे तेल के दाम घट जाते हैं और दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम तब घटते हैं जब उसकी डिमांड ही कम हो जाए। अब डिमांड कैसे कम होगी? आपका कच्चा तेल मैक्सिमम लेवल पे तो पेट्रोल डीजल में यूज हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल से आप शिफ्ट हो रहे हो ईवी पे, ठीक है, धीरे धीरे ही हो रहे हो लेकिन हो तो रहे हो, तो एक ये मेजर आगे चलकर डिमांड को कम करेगा कि भैया ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब कच्चे तेल में ना 4 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट कल देखने को मिली है, 5% टूट गया क्रूड, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये लगभग 9 महीने के निचले स्तर पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, आप ये कह सकते हो। अब ये क्यों गिर रहा है और इससे किसे फायदा होगा? इससे उन सारी कंपनियों को फायदा होगा जो भी कच्चे तेल को खरीदती हैं और यूज करती हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। सिंपल भाषा में बोला जाए अगर बिजनेस सम में, तो उन कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल चीज है ये, जो कंपनियां कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं कि कच्चा तेल क्यों घटा है। तो दोस्तों, दो चीजें सामने आ रही हैं, एक तो पेट्रोल डीजल से ईवी पे शिफ्ट जो हो रहा है पूरा देश दुनिया, वो प्रॉब्लम है, और दूसरा कुछ कंट्रियां डिमांड बढ़ते हुए देख रही हैं और सप्लाई बढ़ रही है, या ये कह लो कहीं पे जो तनाव चल रहा था वो तनाव खत्म हो गया है, तो वहां से भी पॉजिटिविटी आ रही है, तो कच्चा तेल तो घटेगा क्योंकि कच्चे तेल को बढ़ने के लिए तनाव चाहिए, वो तनाव हट गया। और एक और नया मैटर आया है, वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आपका कच्चा तेल घट रहा है। अब पूरी डिटेल समझिए, एआई होगा क्रूड पर भारी, ऐसा गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर, अब ये कैसे वो भी बताऊंगा अभी। अगले 10 सालों में सप्लाई बढ़ने से क्रूड की कीमतों पर असर पड़ेगा। सिंपल, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं, तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस घटेगा। एआई की मदद से शेल उत्पादन की लागत 30% तक घटने का आसार है। तो एआई की मदद से जब शेल उत्पादन की लागत जो है ना वो 30% तक घटने की उम्मीद है, इसी के चलते इनके सारे के सारे दाम घटते हुए दिख रहे हैं और आगे और घटेंगे। लॉजिस्टिक्स में सुधार हो सकता है, अब लॉजिस्टिक में सुधार होगा तो सप्लाई इजीली हो सकता है, बजट कम लगेगा तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। रिकवरेबल रिसोर्सेज में बढ़ते मुनाफे से भी बेहतर सप्लाई, एआई से यूएस शेल रिजर्व 20% तक बढ़ने की संभावना, एआई से यूएस शेल रिजर्व 10 से 30 बिलियन बैरल बढ़ने की संभावना है। अब ये जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब
आपके लिए सप्लाई बढ़ गई है तो वो अपने आप दाम को नीचे घसीट देगी। तो ये कुछ बड़े रीजन आ रहे हैं सामने जिसके चलते सब आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती तेल सप्लाई के सामने ग्लोबल डिमांड ग्रोथ में धीमापन है, डिमांड भी कम हो रही है। अब क्यों हो रहा है? AI क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर के लिए पावर में बढ़ती मांग, ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए टेक कंपनियों में होड़ है, एनर्जी एसेट खरीदने की होड़ में टेक कंपनियां, कच्चे तेल कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है, ब्रेंट क्रूड 73 के पास आ चुका है, $73 के पास, और दिसंबर 2023 के बाद ये निचले स्तर पे है। दिसंबर 2023 यानी कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, अभी नौवां महीना है, तो 9 महीने के आप कह सकते हो निचले स्तर पे आ गया है। कल 5% तक टूटा है, 4 महीने के बाद ये सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। और लीबिया में राजनीतिक तनाव खत्म होने के आसार दिख रहे हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आपके लिए घटते हुए दिख रहे हैं। कई ऑयल फील्ड में काम फिर शुरू होने की उम्मीद है। तो ऑब्वियस है, अब जहां जहां रुका हुआ था तो सप्लाई कम थी, अब वहां भी काम शुरू होगा तो सप्लाई और बढ़ेगी। चीन US में सुस्त मैन्युफैक्चरिंग से कमजोर मांग है, एंड अमेरिका में गैसोलीन वायदा 3 साल के निचले स्तर पर है, इक्विटी बाजार में तेज। सिंपल भाषा में मैंने आपको सारे रीजन बता दिए। अब स्टॉक सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो, कच्चा तेल जब जब घटेगा तो फायदा होगा सारी OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में HPCL, BPCL, IOC आता है, डायरेक्ट प्ले है ये। उसके बाद रॉ मटेरियल होता है सारी पेंट कंपनियों के लिए, आप एशियन को ले सकते हो, आप बर्जर को ले सकते हो, एक्जोनेवल के ले सकते हो, या कोई भी पेंट कंपनी, इंडिगो पेंट्स वगैरह, इन सबको ले सकते हो। उसके बाद टायर कंपनियां भी कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, तो CIAT, JK टायर और MRF वगैरह, ये जितनी भी टायर कंपनियां, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब इनके लिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, जो कच्चा तेल बेच रहे हैं उनके लिए नेगेटिव है। वहां पे OIL आता है, ONGC आता है, आपका रिलायंस आता है, इनके लिए हल्का हल्का नेगेटिव होता है ये कच्चे तेल के दाम का घटना। बट OIL की बात करें, ऑयल इंडिया की, तो ये डायरेक्ट मतलब इनके लिए बड़ा इंपैक्ट होता है अगर कच्चे तेल के दाम घटेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस यही मॉडल है। बाकी ONGC में गैस भी आ जाती है, रिलायंस तो आपको पता है बहुत सारे कारोबार को लेकर बैठा है। तो ये डिटेल थी मेरी तरफ से, होप आपको मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।